तो इसमें आपको क्या दिया है अ मैन लूजेस अ मैन लूजेस ट्वेंटी परसेंट ऑफ हिज मनी ऑफ हिज मनी फुल स्टॉप देन आफ्टर स्पेंडिंग आफ्टर स्पेंडिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमाइंडर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द रिमाइंडर ओके ही हैज रुपीज फोर एटी पॉइंट जीरो जीरो पे दिया है सो फोर एटी ओके लेफ्ट ठीक है तो आपसे क्या पूछा है हाउ मच हाउ मच मनी डिड ही ओरिजिनली हैव डिड ही ओरिजिनली हैव ठीक है सो दिस इज द क्वेश्चन वेरी इजी ओके बहुत ही आसान सवाल है ओके okay? इसमें क्या है सी नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एक लाइन में होगा अगर आपको परसेंटेज का फंडा आता है दैट्स वाई द ऑनलाइन कोर्स इज इंपॉर्टेंट मैं चाहता हूं कि जो बच्चे अभी जिनका सितंबर में अटैम्प्ट है ओके okay, जो बहुत सीरियसली जिन्होंने प्रिपेयर किया है सेप्टेम्बर के लिए अगर वो मेरे जो ऑनलाइन कोर्स के वीडियोज़ देखेंगे एंड देन दे विल गिव द डाउट्स और डाउट सेशन में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा अच्छा इसमें क्या है अ मैन लूजेस ट्वेंटी ऑफ ऑफिस मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% फाइव परसेंट ऑफ द रिमेंडर ठीक है इसको आप एक लाइन में कर सकते हैं मैं बच्चों को कैसे बताता हूँ देखो एक तरीका तो क्या है आप टोटल मनी कितना लेंगे उसके पास टोटल मनी कितना था ओरिजिनली एक्स लेंगे आप उसके बाद उसका ट्वेंटी परसेंट निकालेंगे फिर उससे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर जितना रिमाइंडर आएगा उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट निकालेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है बट वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन अ सिंगल लाइन हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन इन द सिंगल लाइन इफ़ यू नो द फंडा ऑफ परसेंटेज वट आई टोल्ड यू मैंने आपसे क्या कहा है हमेशा मैंने आपसे कहा है ठीक है ये नोट एज अ नोट मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कहा था हमेशा आपसे कि अगर कभी भी मैं बोलूँगा अगर थर्टी परसेंट प्रॉफिट हो रहा हो तो थर्टी परसेंट प्रॉफिट को आप वन थर्टी परसेंट लेंगे ठीक है हम हम हंड्रेड परसेंट से कंपेयर करते हैं उसी तरीके से अगर आपको थर्टी परसेंट लॉस हो तो आप उसको लेंगे सेवेंटी परसेंट हंड्रेड से कंपेयर करते हैं थर्टी परसेंट लॉस का मतलब है हंड्रेड में से थर्टी माइनस कर दीजिए ओके तो हम बड़ा पॉजिटिव देखते हैं पॉजिटिव इन द सेंस कि हम ये नहीं देखते कि हमें कितना लॉस हुआ हम ये देखते हैं कि हमें कितना मिला है थर्टी परसेंट प्रॉफिट का मतलब है हम ये नहीं देखते कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है हम ये देखते हैं कि हमें कितना मिला है हमें कितना मिला है थर्टी परसेंट प्रॉफिट का मतलब वन थर्टी परसेंट मिला है और थर्टी परसेंट लॉस का मतलब हम ये नहीं देखते कि हमें थर्टी परसेंट लॉस हुआ है हम ये देखते हैं कि हमें थर्टी परसेंट लॉस हुआ है तो हंड्रेड परसेंट में हमें सेवेंटी मिला है अगर हमें टोटल हंड्रेड परसेंट मिले तो उसको हम नो प्रॉफिट नो लॉस कहते हैं हंड्रेड से थोड़ा भी ऊपर मिलेगा तो वो प्रॉफिट होगा अगर मैं बोलूंगा हमें इफ़ाइल से इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इफ़ाइल से कि हमें हंड्रेड एंड फोर परसेंट मिलाए सो हंड्रेड एंड फोर परसेंट मिलने का मतलब है हमें फोर परसेंट का प्रॉफिट हुआ है ठीक है तो ये प्रॉफिट लॉस में भी नहीं है ये आप चाहे टेन परसेंट आपको ज़्यादा मिले मोर मिले ये मोर और लेस में भी है तो अगर अगर मैं थर्टी परसेंट मोर कहूँगा तो थर्टी परसेंट मोर विल भी अगेन वन थर्टी परसेंट ठीक है सो दिस इज़ अ नोट दिस आई ऑलरेडी टोल्ड टू माई स्टूडेंट्स ठीक है अब इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा ले लूँ लेट ट और ओके ही है सपोज एक्स रुपीज ठीक है तो एक ही लाइन में होगा अब इसको लॉस हुआ ठीक है लॉस हुआ कितने का ट्वेंटी परसेंट का फिर से इसने क्या करा फिर से इसने फिर इसने क्या करा स्पेंड करे स्पेंड करे कितने करें ट्वेंटी फाइव परसेंट इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि दोनों केसेस में पैसा खर्च हो रहा है पैसा जा रहा है तो आप कैसे निकालेंगे सी डायरेक्टली एक लाइन में इसका मतलब उसके पास ओरिजिनली एक्स था इन टू पहला ट्वेंटी परसेंट लॉस हुआ ट्वेंटी परसेंट लॉस का मतलब मिला कितना है एट्टी परसेंट सो एट्टी अपॉन हंड्रेड एक ही लाइन में इन टू दूसरे केस में वो ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर रिमाइंडर का क्या कर रहा है स्पेंड कर रहा है खर्चा तो बचा कितने पास उसके पास सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब सेवेंटी फाइव अपॉइन हंड्रेड और यही रिमाइंडर आप ये चीज समझना कि उसके पास पैसे कितने थे पहले एक्स रुपीज थे ठीक है पहले ट्वेंटी परसेंट उसको क्या हुआ लॉस हुआ तो ट्वेंटी परसेंट का मतलब एट्टी परसेंट मिला और फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट उसने स्पेंड करा खर्च करा तो फिर कितना मिला उसको सेवेंटी फाइव परसेंट तो सारे परसेंटेज को हम एक लाइन में कर सकते हैं ठीक है और फिर ये जो पैसा बचा उसका एक्स में से इतना पैसा हटा ठीक है एक्स था एटी बाई हंड्रेड को हमने मल्टीप्लाई करा तो उसका मतलब ट्वेंटी परसेंट हमने हटा दिया है सेवेंटी फाइव बाई हंड्रेड से मल्टीप्लाई करा इसका मतलब वी हैव रिमूव द ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके सो रिमाइंडर कितना बचा फोर एटी बस आपको इसको सॉल्व करना है एक लाइन में वी हैव डन दिस दिस क्वेश्चन इन अ सिंगल लाइन ठीक है सो नाउ वट विल बी द आंसर क्या आंसर होगा इसका सो इट विल गोइंग टू बी आप 25 से कैंसिल करो सो दिस विल बी ट्वेंटी थ्री झा दिस विल बी ट्वेंटी फोर झा दिस विल बी फोर ट्वेंटी एंड दिस विल बी ट्वेंटी फाइव ठीक है ओके समझ में आ रहा है सो एक्स विल be इज इक्वल टू फोर एटी इंटू फाइव अपॉन थ्री ओके सो इफ यूल सॉल्व दिस अगर आप इसको सॉल्व करेंगे सो so थ्री कितना थ्री वन जो थ्री एंड सिक्स सो वन सिक्सटी इंटू फाइव मीन्स एट हंड्रेड रुपीज विल बी द आंसर ओके सो करण गरीवाल इज द राइट आंसर फर्स्ट एट हंड्रेड द तो कितने पैसे उसके पास थे उरिजिनली? उरिजिनली उसके पास पास थे so थे ठीक okay. हाँ, right है? कुमार गुप्ता एट हंड्रेड इज द राइट आंसर जल्दीबाजी नहीं करनी है आराम से इसको करना है आपने ठीक है आप क्या करते आप 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 इसको और तरीके से कैसे कर सकते थे और आप क्या करते पहले एक्स का आप ट्वेंटी परसेंट निकालते हैं पहले आप टोटल बोलते चलो टोटल मनी उसके पास एक्स था फिर ही लूजेस ट्वेंटी परसेंट फिर आप क्या करते हैं ट्वेंटी परसेंट फिर निकालता है आप एक्स इंटू ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड उसका ट्वेंटी परसेंट फिर रिमाइंडर आप ऐसे निकालते हैं टोटल में से एक्स में से आप कितना माइनस करते हैं ट्वेंटी परसेंट तो एक्स में से कितना जाता है ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड इसको अगर आप सॉल्व करते तो एट्टी एक्स बाई हंड्रेड आता ठीक है और फिर क्या करते हैं आप फिर इसमें से वो कितने खर्च करता है ट्वेंटी फाइव परसेंट फिर उसने और खर्च किए स्पेंड ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके फिर ट्वेंटी फाइव परसेंट स्पेंड करता हूँ किसके एट्टी एक्स बाई हंड्रेड इसको फिर इनटू आप कितना करते हैं ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड ठीक है ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा ओके एंड फोर ट्वेंटी ज़ा एंड ट्वेंटी फाइव ज़ा तो ये कितना आ जाता ये आ जाता आपका एक्स बाई फाइव ठीक है ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा फोर ओके ट्वेंटी फाइव फोर टाइम्स फोर ट्वेंटी टाइम्स ट्वेंटी फाइव टाइम्स एक्स बाई फाइव फिर आप क्या करते हैं तो ये एक लेंदी प्रोसेस है जो मैं आपको अब बता रहा हूँ ठीक है आप क्या करते है? फिर आप फिर इसको फिर रिमाइंडर निकालते हैं रिमाइंडर कैसे निकालते कितना बच गया था एट्टी एक्स बाई हंड्रेड इसमें से आप कितना माइनस करते एक्स बाई फिफ्टी एक्स बाई फाइव ठीक है इसको आप अपॉन हंड्रेड भी ले सकते हैं अपॉन हंड्रेड इंटू ट्वेंटी कर लो सो इट विल गोइंग टू बी ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड ठीक है एक ही बात है सो इट विल गोइंग टू बी सिक्सटी एक्स बाई हंड्रेड तो ये जो रिमाइंडर होता है ये फ़ोर एट्टी के बराबर होता है ओके एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल सिक्स ओके ओके एट सिक्स सो अगेन एक्स कितना आता है आपका एट हंड्रेड ठीक है यहाँ से भी यहाँ से भी वही आंसर आता है लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होता है मैं फिर से बता देता हूँ आपको फोर एट्टी इंटू हंड्रेड अपॉन अगर आप सिक्सटी करेंगे सो सिक्सटी एट सिक्स फोर्टी एट ना एट टाइम्स सो एक्स विल बी टू बीजिकंड ठीक है तो आपने देखा होगा हम लोग ऐसे नहीं करते हम लोग बहुत सिंप, सिंपल तरीके से सिंगल लाइन में अगर आपको बेसिक फंडा पता है हमने क्या अगर आप पहले टोटल एक्स लिया फिर ही लूजेस ट्वेंटी परसेंट तो हमने टोटल का ट्वेंटी परसेंट निकाला क्योंकि ये तो ट्वेंटी परसेंट उसने उस, उसको लॉस हुआ है फिर आप टोटल में से ये ये एक्स टोटल है इस टोटल में से आप वो जो ट्वेंटी परसेंट वाला हटाएंगे तो कितना जाएगा एट्टी एक्सपन हंड्रेड ये आपका रिमाइंडर आ गया ओके अब क्या करेंगे अब उसने इस रिमाइंडर में से कितना स्पेंड किया उसने पहले वो निकालते हैं एटी एक्स बाई हंड्रेड में से उसने ट्वेंटी फाइव परसेंट स्पेंड किया उसको हमने सॉल्व किया तो ये आया ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड ले लो उसको आप ठीक है ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड सॉल्व करेंगे तो एक्स बाई फाइव ही आएगा मैं चाहता हूँ डिनोमीटर तो ये आया ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड ओके ये उसका उसने स्पेंड कराया अब रिमाइंडर कितना बचेगा उसके पास एट्टी एक्स बाई हंड्रेड बचे हुए थे और ट्वेंटी एक्स बाई हंड्रेड अब उसके उसने स्पेंड कर दिया तो रिमाइंडर कितना बचा उसके पास सिक्सटी एस बाई हंड्रेड और ये कितने हैं उसके पास फाइनली कितने बचे फोर एट्टी रुपीज से आप इक्वेट करोगे विल गेट आंसर ओके okay?